अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं करीमी चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमने 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है, 2 बारीक प्याज कटे हुए, 2 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, एक मिल्क पैक क्रीम का डब्बा और 1 कप के करीब हमने फेंटा हुआ दही ले लिया है और 1 चम्मच के करीब हमने लिया है पिसा हुआ पिसी काली मिर्च, नमक 1 चम्मच, हरी मिर्च और सूखा धनिया 1 चम्मच। कढ़ाई में हमने 1 कप के करीब ऑयल डाल लिया है और अब हम इसमें प्याज जो हमने आपको बताया था बारीक कटा हुआ वो हम डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह ब्राउन करेंगे हम। और जो 1 कप के करीब हमने दही बताई थी उसमें हमने सारे मसाले ऐड करने हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लें क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हमारा वॉश किया हुआ चिकन बोनलेस इसके अंदर हम डालेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन को। थोड़ी देर के लिए ढक दें इसको। चिकन हमारा सेट हो गया, अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। चिकन ने देखें बिल्कुल पानी छोड़ दिया है। अब हम डालेंगे टमाटर इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें जो हमने कट लगा के रखी थी वो डाल देंगे। दही में मिक्स हुआ मसाला जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
एक कप के करीब हमने इसमें पानी डाल देना ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। इधर हमने लिया है एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच काली मिर्च, वो इसके ऊपर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह का। इसको हल्की आंच पर दम दे दे थोड़ी देर के लिए। मिल्क पैक क्रीम हमने आधी पहले डालनी, आधी हम आपको बाद में बताएंगे। हाफ डाल लें और हाफ जो है वो हम हैंड पे डालेंगे। क्रीम हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम आपको दिखाएंगे हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। ये देखें बहुत अच्छे से गल चुका है हमारा चिकन। और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन गई है। अब हमारे चिकन के अंदर जो पानी है इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और जो क्रीम हमने रखी थी वो हमने सारी अब इसके अंदर डाल देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। हमारी क्रीमी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है हमारी रेसिपी की। बारीक कटा हुआ धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।